खिलाफ गवाही देगा? चांदनी पुलिस स्टेशन के बाहर किसका हुक्म चलता है? मेरी शनाख्त करने से पहले तो अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। क्या बात है करण? अगर कोई पैसे की बात, पैसों की बात नहीं है चौधरी साहब, बस मन सा उठ गया इन सब चीजों से। इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। धूमधाम से शादी करो, घर बसाओ, और सुनो, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। चौधरी साहब, अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया मुझे। कहाँ थी कल, आई क्यों नहीं? एक दिन नहीं मिली तो इतना गुस्सा, कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो काट के रख दूंगा उसे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, लेकिन तुझे अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा। इतना प्यार करते हो हमसे? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। अगर मैंने कुछ पाया तो तुझे, तेरे प्यार को, तू समझ रही है ना? अगर तू नहीं मिली तो यहाँ बहुत दुखता है। क्यों दुखता है? मैंने कहा छोड़ दो मुझे। तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था? और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। डोंट टच मी, हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। यहाँ क्या करता है? खाना मिलता है। कहाँ रहता है? सड़क पर। बाप? मालूम नहीं। माँ? मालूम नहीं। तेरा नाम? टाइम पास। टाइम पास। सुना है पुलिस ने तुम्हें बहुत मारा था, बहुत दर्द हुआ होगा ना? नहीं। क्यों? तब तुम्हारा चेहरा जो मेरे सामने था। चले, तुम हमारा पीछा क्यों किया करते थे? तुम कितनी देर तक मेरे साथ हो? क्यों? मैं इतनी लंबी बात कम वक्त में नहीं बोल सकता। हर चीज कहने का एक सही तरीका होता है करण। देख, मैं तेरी तरह समझदार नहीं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ मालूम नहीं। एक अजीब सी चीज थी जो मुझे तेरे करीब ले आती और तू डर जाती। कॉमन सेंस की बात है, अगर यूं खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे तो कैसे चलेगा ये खेल? पक्का तीन ही खराब है साला, साला ऐसा तो अपना धंधा फिक्स हो जाएगा। शांत गोवर्धन, शांत। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं, बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है, वापस इनको कीचड़ में ही रेंग रेंग कर जीना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, तुमने भी मेरे लिए इतना... क्योंकि तुम मेरे अपने हो, हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं। मुझे छोड़ के मत जाना काजल, मैं जी नहीं पाऊंगा। हम तुम्हें बिखरने नहीं देंगे, वादा करते हैं। बाबा जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी। बाबू जी बहुत खुश रहेगी। कभी तुम ही बताओ ना बाबू जी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ यहाँ से, मत सताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है।